गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की ड्राइंग क्लास में हम ड्राइंग करेंगे सूरज और बादल को। सूरज को क्या बोलते हैं? सन। सन मीन्स सूरज। और बादल को क्या बोलते हैं? क्लाउड। क्लाउड मीन्स बादल। ठीक है बच्चों, पहले से देखिए सर्कल बना हुआ है। आप लोगों को पहले सर्कल बनाया सिखाया जा चुका है कि सर्कल कैसे बनता है। जी हाँ, सर्कल बनाने के लिए हम किसी भी गोल चीज़ को लेंगे, उसे रखेंगे और अच्छे से सर्कल बनाएंगे। और सर्कल बना के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से कटिंग कर करके हाफ सर्कल करते करते ज्वाइन करेंगे और बादल बन जाएगा हमारा। और बादल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सूरज के साइड में इस तरह से रेक्टेंगल की तरह हम बनाते जाएंगे और ये हमारा बन गया सूरज और बादल। और ये सूरज की ओर जो निकली हुई है, ये उसकी रोशनी, जो प्रकाश निकलता है ना, वही है। तो आज हम इसको कलर करेंगे। कलर करने के लिए ये मैंने कलर रखा है, वैक्स कलर का यूज करेंगे हम। ऑरेंज से हम क्या करेंगे, पहले सूरज को कलर करेंगे। कलर करने के लिए बच्चों देखिए, इस तरह से कलर नहीं करना है। पहले कलर करने के लिए क्या करेंगे हम, साइड का जो रहता है उसे कवर कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमें एक बेस मिल जाता है कलर करने के लिए और हमारा कलर जो होता है वो अच्छे से होता है। ये देखिए, पूरा हम साइड का बेस पहले बनाएंगे इस तरह से। ये बन गया, अब हम आराम से कलर कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी कलर कैसे पकड़ेंगे, इस तरह से। और हल्का सा हम इसे सुलाकर फ्लैट करके कलर करेंगे। ना ये ज़्यादा हमारा डार्क होगा और ना ही ज़्यादा लाइट होगा। ना हेवी कलर दिखेगा ना लाइट कलर दिखेगा, एक प्यारा सा कलर खेल कर आएगा। जहाँ पर कलर करना है वहीं करेंगे। इस पार्ट को कलर हम दूसरे कलर से करेंगे, इसलिए इस पार्ट को भी हम कवर कर देते हैं। और इस तरह से हम कलर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये कलर किया हमने। अब हम येलो की हेल्प से इसी तरह से पहले साइड कवर करेंगे और फिर अंदर कलर करते जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से होता है, जब साइड हमारा कलर हो जाता है तो हमें एक बेस मिलता है और अच्छे से हमारा कलर होता है, वो बाहर भी नहीं निकलता है और अच्छे से होता है कलर। ठीक है बच्चों, आप घर पर इसी तरह से बनाने की प्रैक्टिस करोगे। सूरज बनाना बहुत ही आसान है, बस एक सर्कल करना है। सर्कल के चारों ओर हमें एक रेक्टेंगल की तरह खींचना है चारों ओर से, और फिर करना क्या है, साइड में एक छोटा सा बादल बनाना है। और स्माइली सूरज तो बनाना बहुत ही आसान है। आप अपने फेस को आईना में देखना और आप जैसे स्माइल देते हो ना, वैसे ही सूरज और बादल को भी स्माइल दे देना। ये देखिए, ये हो गया। अब हम बादल करेंगे किस कलर से, इस कलर से। इसे कौन सा कलर है ये? जी हाँ, ये आसमानी कलर है। इस तरह से मैम को आता है कलर करना, इसलिए मैम जल्दी जल्दी कर सकती है। बट आप लोगों को नहीं आता है अगर अच्छे से, तो पहले आप इसके साइड को कवर करेंगे ताकि कलर बाहर ना निकले। ये देखिए, इसके साइड को भी हम कलर कर देंगे, कवर करेंगे अच्छे से। और उसके बाद हम फिर जल्दी जल्दी क्या कर लेंगे, आप जल्दी जल्दी मत करना, आप अच्छे से धीरे धीरे आराम से करना। मैम आपको बता रही है कि कलर करना कैसे है, लेकिन आप जल्दी जल्दी में कलर बाहर मत निकालना। ठीक है बच्चों, ये देखिए, और इस तरह से बन गया हमारा बादल। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, रेड कलर लेंगे और इसके प्यारे प्यारे गाल पर रेड कलर से कवर करेंगे। ये देखिए,
ये हमारा सन और बादल बनकर तैयार है, सूरज और बादल। सूरज सन मिस सूरज, क्लाउड मिस बादल। हमारा आज की ड्राइंग क्लास में हमने क्या सीखा? सूरज और बादल बनाना सीखा और उसे कलर करना सीखा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक नई एक ड्राइंग के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप इसे अपनी कॉपी में अच्छे से बनाओगे और कलर करोगे। ओके बच्चों, थैंक यू।